ये जेएस फिल्म्स की बाइक है भाई। वाओ, ये पुलिस की गाड़ी है और किया की क्रेन्स है। अब गाड़ी खूबसूरत है ना, तो लड़की भी ऐसी खूबसूरत खड़ी कर रखी है। ये बीच में आकर के ना सारे वीडियो की माँ बहने कर देते हैं यार, ये काम इनका गलत लगता है। सारे अंग्रेजों ने खड़ी कर रखी है, इंडियन लड़कियां तो खड़ी नहीं कर रखी गाड़ियों के पास। ये क्या बवाल है भाई। आज लेकर के आया हूँ दिल्ली ऑटो एक्सपो के अंदर, जो कि 4 साल में एक बार लगता है, और मैं ले आया हूँ इधर आप लोगों को फ्यूचर दिखाने के लिए। क्योंकि फ्यूचर दिखाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या आएगा गाड़ियों में, कौन सा ईंधन आएगा, एथेनॉल फ्यूल आएगा, H2O आएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी लॉन्च होने वाली हैं, जैसे टाटा की कौन सी है हैरियर वो आएगी, शेरा आएगी, इकिनियोस ऐसे करके है, मैं नाम भूल गया। क्योंकि ये सब कैसे बता रहा हूँ, मैं घूम चुका हूँ भाई, शाम हो गई है भटकते भटकते, और ये इंट्रोडक्शन अभी इसलिए बना रहा हूँ ताकि बढ़िया तरीके से तुम लोगों को समझा पाऊँ। मतलब पहले मैं तो देख लूँ तभी तो बताऊँ कि क्या है अंदर। तो वीडियो देखना, मज़ा आएगा, और वीडियो एक पार्ट में नहीं पूरा हो पाएगा, ये कम से कम मेरे को बनाने पड़ेंगे इसके 2 से 3 पार्ट। ये भाई टिकट है 350 रुपये की एक टिकट है इसकी, और हमने ऑनलाइन बुक माई शो से बुकिंग करा रखी थी, लेकिन बुकिंग कराने के बावजूद भी यहाँ से हमने टिकट निकलवानी पड़ी। वो फर्स्ट काउंटर उस साइड जो है ना कैश का है, तो इससे बेटर तो कैश ही निकलवा लेते, कैश वो उसमें लाइन भी नहीं थी। ये ऑनलाइन बुकिंग वाले में भी लाइन में लगना पड़ा, मतलब लाइन में तो लगना ही पड़ा, हम लाइन से बचने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तो हम जो एंट्री करेंगे वो गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे भाई। गेट नंबर 2 जो है ना सबसे मतलब कम भीड़ वाला जो है गेट नंबर था, तो इसलिए गेट नंबर 2 से एंट्री करने का डिसाइड किया भाई। अंदर एंट्री करते ही ना इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया 2 नंबर गेट से जैसे एंट्री करी, एक ऐसा हमें हॉल मिल गया जिसके अंदर गाड़ियां हैं, बाइक से हैं और वैगनार खड़ी हुई है, टोयोटा की गाड़ी खड़ी है। लेकिन खास चीज क्या है कि ये ऐसा एक पवेलियन है, एथेनॉल पवेलियन। फ्यूचर में बहुत ही अच्छा इनिशिएट आने वाला है, ये एथेनॉल फ्यूल की गाड़ी आएंगी इस तरीके से, जिसको फ्लेक्स फ्यूल कहा जाएगा। और ये जैसे सामने छपा हुआ है कॉर्न से, ग्रेन से, तो इन चीजों से जो है ईंधन बनाया जाएगा, जो कि हर एक जीव के लिए बढ़िया होगा, चाहे वो ह्यूमन बींग हो और या फिर जानवरों के लिए, हर एक के लिए जो है बहुत फायदेमंद होगा। पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएट होने वाला है, थम्स अप। और ये वैगनार जो यहाँ सामने आपको खड़ी दिखाई दे रही है, और बहुत सारी बाइकें हैं यहाँ पर, तो ये जितनी भी बाइकें दिखाई दे रही है ना फ्यूचर में, ये इस टाइप की जो बाइकें हैं ये एथेनॉल से चलने वाली बाइकों में आ जाएगा। ये देखो ये बाइकें खड़ी हैं जितनी भी सामने, तो अभी इसके आगे वाले स्टॉल में चलते हैं, लेट्स सी वहाँ पर क्या है। ये मैं जो अभी खड़ा हुई है हुंडई के जो है स्टॉल में खड़ा हूँ, और यहाँ आयोनिक 5 और आयोनिक 6 है। आयोनिक 5 लॉन्च हो चुकी है और आयोनिक 6 जो है अपकमिंग 1-2 साल में आ जाएगी। तो अभी आगे एक बार गाड़ी दिखाता हूँ भाई, बड़ी शानदार है, इलेक्ट्रिक है, 4-व्हील ड्राइव है, एंड लुक वाज सो मच ब्यूटीफुल। तो लेट्स गो, एक बार आओ गाड़ी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये गाड़ी देखो भाई हुंडई की है, इलेक्ट्रिक है, और इसके बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है, आ चुकी है गाड़ी, बड़ी शानदार लग रही है यार। लेकिन अगर सेम आई है ना तो मतलब कहर डा देगी यार ये गाड़ी, तो बड़ी गजब कंटास पीस लग रही है। टायर देखो इसके कितने बड़े बड़े हैं, कम से कम मेरे को तो ऐसा लग रहा भाई, यहाँ से इतना दिखाई नहीं दे रहा, पर 20 इंच के इसके जो है ना व्हील्स हैं, 20 इंच के व्हील्स किसी भी गाड़ी में नहीं है इस टाइप की क्लास के अंदर। ये पूरा का पूरा हॉल ऑटो एक्सपो के अंदर ये सारा जो है ये हुंडई का ही है, यहाँ हुंडई की ही गाड़ियाँ जो हैं सारी खड़ी हैं, हुंडई के ही हॉल के अंदर हम लोग हैं। ये क्या भाई, योग कर दिया एटलस। ये देखो ये मेरे ख्याल से कोई बोस्टन डायनेमिक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, और कोई रोबोट वोबोट है। अब तो फ्यूचर में ही पता चलेगा क्या होगा, ये आएंगे ऐसे रोबोट वोबोट भी आएंगे क्या। चलो आगे देखते हैं भाई। अच्छा वही गाड़ी जो मेरे ख्याल से आयोनिक INOQ उसका ये ग्राउंड है, बैटरी सिस्टम किस तरीके से है, ये होती है गाड़ी की बैटरी, ये बैटरी सिस्टम है, वहां से पावर मिलती है, चलती है, और ये रियर व्हील की मोटर है, बढ़िया।
ये गाड़ी देखो भाई, BYD की एक नंबर की गाड़ी लग रही है यार। अभी आगे है ना, सारा इन्हीं का जो है ना फ्यूचर है गाड़ियों का। और BYD चाइनीज कंपनी है जो कि अभी नई इंडिया के अंदर ये आएगी। एक सामने जो ये गाड़ी दिखाई दे रही है, ये BYD ऑटो 3। तो बहुत सारी लॉन्च हो चुकी हैं और बहुत सारी जो फ्यूचर में लॉन्च होगी वो गाड़ियां जो हैं इधर दिखाई जा रही हैं ऑटो एक्सपो के अंदर। अभी मैं हॉल नंबर 5 के अंदर हूँ और यहीं पर जो है ये गाड़ी दिखाई जा रही है यार। BYD मेरे ख्याल से बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च कर देगा ऐसे तो। ये देखिए कुछ दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है ना, मैं पूरा फोन को ऊपर उठा करके जो है दिखा रहा हूँ। ये क्या बवाल है भाई, ये क्या आर्मी सी कार आ गई। ओहो हो, ये क्या है ये। ओ भाई, ये तो कुछ अलग ही सेगमेंट लग रहा है। आर्मी की है क्या, टैंक ऊपर बंदूक बंदूक लगी हुई है। प्रावा IG, क्या है प्रावा, क्या है ये प्रावा। सॉन्ग विज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वो सामने लिखी हुई इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये दिखा देता हूँ। ये देखो डायमेंशन, ये कोई आर्मी के लिए गाड़ी बन रही होगी। ये देखियो यार, गाड़ी जबरदस्त लग रही है लेकिन। मस्त, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हॉल में। बहुत बढ़िया लग रहा भाई फिलहाल घूम करके, थोड़ा सा ही अभी तो 2-3 हॉल घूमे, अभी तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इधर बाकी है। बाकी फ्यूचर में जो गाड़ी आएंगी ना वो सारा दिखा रखी है। तो अभी जो लॉन्च हो चुकी हैं, लॉन्च होंगी या किसके नए लॉन्च होंगे, एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है ऑटो एक्सपो। मेरे ख्याल से 3-4 साल में एक ही बार लगता है ये, लेकिन गाड़ियों के शौकीन हो तो मस्ट विजिट प्लेस है भाई। अभी हॉल नंबर 7 के अंदर मैं घुस गया हूँ। ये देखो, ये हॉल नंबर 7 में ये एम्बुलेंस खड़ी है, फ्यूचर एम्बुलेंस इस तरीके की आएगी है, और फ्यूचर पुलिस की गाड़ी इस तरीके की आएगी जो कि देखने से जो है फील आ रही है जैसे किया ने टाइप कर लिया हो भाई पुलिस के साथ और एम्बुलेंस के साथ। बढ़िया है, बाकी गाड़ी किया क्रेन अच्छी है। और ये आगे क्या है, इलेक्ट्रिक, और ओहो अच्छा, ये वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसका EV6 का इंतजार था लोगों को। उस टाइम पे मैंने सुना था 40-45 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी आती है, पर आई डोंट नो, लेट्स सी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एकदम बवाल चीज लग रही है भाई आगे। कौन सी गाड़ी है वो, KA4, ये KA4 गाड़ी है भाई। थोड़ा सा जूम करता हूँ, रुको। ये देखो, ये आगे मतलब ये वो गाड़ी जो आगे फ्यूचर में आने वाली है। अब वो जो सामने एक और गाड़ी खड़ी है वो भी जो है अभी फ्यूचर में आएगी। ये देखो, अंग्रेजन खड़ी कर रखी है इसके पास गाड़ी के लेवल के हिसाब से। ओ भाई, ये गाड़ी तो बड़ी शानदार लग रही है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब गाड़ियों के हिसाब से लड़कियां खड़ी कर रखी है। गाड़ी खूबसूरत है तो लड़की भी खूबसूरत खड़ी कर रखी है, गजब। ये गाड़ी भाई, ये गाड़ी कैर डालेगी, बहुत शानदार लग रही है। आगे एक एक हॉल ना काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है इधर। ये देखो क्या हो रहा है, इंटरव्यू इंटरव्यू टाइप से चल रहा है मामला कुछ। ये किया की क्रेंस न्यू मॉडल जो अभी आगे आएगा और अभी आया हुआ है। ये किया की सेल्टोस एक्स लाइन एंड ये EV6 का एक और कलर रेड कलर के अंदर, बहुत अच्छी लग रही है रेड में भाई। देखियो रेड कलर में शानदार लग रही है भाई, ब्यूटीफुल। सारे अंग्रेजों ने खड़ी कर रखी है, इंडियन लड़कियां तो खड़ी नहीं कर रखी गाड़ियों के पास है ना। और कौन सी है, और ये किया की एक्स लाइन सोनेट, बढ़िया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो वही अपनी जो सारी गाड़ी अभी इंडिया के अंदर लॉन्च हुई पड़ी है वही गाड़ियां है। ये आगे तो सारी वही गाड़ियां खड़ी है, अगले स्टॉल में चलते हैं। क्या ये गाड़ी अभी देखो थोड़ा नजदीक सर बढ़िया तरीके से दिखाता हूँ, ये KA4 वो है, बहुत बढ़िया है साइज वाइज। इस गाड़ी का नाम नहीं लिखा हुआ क्या है, पर गाड़ी डिफेंडर के जैसी लग रही है। टायर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े टायर हैं, ब्यूटीफुल। आई थिंक इलेक्ट्रिक लग रही है मेरे को, क्योंकि फीचर्स के हिसाब से गुड गाड़ी, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी हो। अब गाड़ी खूबसूरत है ना, तो लड़की भी ऐसी खूबसूरत खड़ी कर रखी है, बढ़िया भाई, मस्त लग रही है गाड़ी देखो। वाओ, दिस इज ए वाओ कार, ब्यूटीफुल। ये बीच में आकर के ना सारे वीडियो की माँ बहने कर देते हैं यार, ये काम इनका गलत लगता है, घूमते रहते हैं यार। ये गाड़ी देखो, अब ये KA4 है, बहुत बड़ी गाड़ी है, ये भी किया की अपकमिंग गाड़ी होगी। एंड कार इज लुकिंग सो बिग, सो ब्यूटीफुल, सो वाइड, ऑसम। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टॉल के अंदर, उसमें और दिखाता हूँ। चलो लगे हाथ ये भी दिखाई देता हूँ, मैंने दूर से दिखाया था, ये पुलिस की गाड़ी है और किया की क्रेन्स है। लुक वाइज तो भाई काफ़ी अच्छी लग रही है, और सेकंड भी किया की क्रेन्स ही है, जो कि एम्बुलेंस के लिए जो है इस्तेमाल हो सकती है। या तो इन्होंने डिस्प्ले किया होगा कि ऑप्शंस दिए होंगे, या फिर हो सकता है ये पुलिस की अगली गाड़ी या इस तरीके की गाड़ियाँ आ जाए। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा भाई। अब निकलता हूँ मैं बाहर, सात आठ हॉल से निकलने के बाद 9, 10, 11, 12 की तरफ आ गए भाई, और यहाँ पर जो है विंटेज कार वगैरह इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन बाहर की तरफ थोड़ा सा ये है मर्चेंडाइज लॉन्च, मतलब कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो, छल्ले वल्ले या फिर इस तरीके की बाइक्स वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो दिस थिंग्स आर अवेलेबल। ये बाइक देखो कैसी बना रखी है, चेनों से टायर बना रखे हैं इसके, सही है, लुक वाइज बढ़िया पीस लग रहा है, शो पीस है एक तरीके से। तो मर्चेंडाइज पीस कुछ खास नहीं, बस परफ्यूम वगैरह, छल्ले वगैरह, ये इस टाइप की चीजें हैं। और एक ये इन्होंने लाइक लुक के लिए जो है बाइक खड़ी कर रखी है भैया, अच्छा ये JS फिल्म्स की बाइक है भाई, वाओ। पर वो भाई साहब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, उनकी बाइक खड़ी है बस। कार्बोनेट हो गए भाई, बैग्स वगैरह इधर बढ़िया लग रहे हैं। खैर लुक वाइज कोई बैग की कंपनी है, गाड़ी की कंपनी है ये तो ना पता, खैर पर सही है। ये क्या चीज है, और अभी मैं आ गया हूँ हॉल नंबर 9 के अंदर, और ये मारुति का पूरा जो है इधर हॉल है। ये देखो ये मारुति की जिमी, जो कि अपकमिंग और आ चुकी है, ये थार के कंपैरेटिवली है, लेकिन भाई थार के हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि ये थार को बीट कर पाएगी, पर गाड़ी सही लग रही है। प्राइसिंग वगैरह के हिसाब से हो सकता है कि थोड़ी सी मार्केट ज़्यादा कैप्चर कर ले, तो बीट बहुत भयंकर है। मैंने अपना कैमरा फुल ऊपर उठा करके और तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जिम्मी की थोड़ी सी बैक लुक और दिखा देता हूँ आपको, देखो ये बैक साइड छोटी सी और ओके रिपोर्ट सी लग रही है गाड़ी, तो लुक वाइज तो ठीक ठाक ही लग रही है। आगे तो सारी बढ़िया, ये अच्छा ये फ्रॉन्क्स जो है अभी आगे लॉन्च होने वाली है ये गाड़ी। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए Part 2 नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आ जाएगा, तो Part 2 उसके बाद देखना, उसके बाद Part 3 आएगा।